हेलो, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति शर्मा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल, पालम विहार, गुड़गांव में। आज हम बात करेंगे उल्टे बच्चे के बारे में। उल्टा बच्चा मतलब ब्रीच प्रेजेंटेशन। उल्टा बच्चा हम कब कहते हैं? जबकि बच्चा बच्चेदानी के अंदर सीधा हो, यानी कि सिर ऊपर हो और उसके बटक्स, कुट्ठे जो होते हैं वो नीचे हो। या यूं समझें इसे कि डिलीवरी के दौरान सबसे पहले बच्चे के बटक्स या फिर तलवे, वो सबसे पहले पेल्विस में घुसेंगे, तो उसे हम उल्टा बच्चा कहते हैं। उल्टा बच्चा नॉर्मल पोजीशन नहीं है। ये 3-4% जो फुल टर्म प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें से अगर देखा जाए तो 3-4% में ब्रीच प्रेजेंटेशन पाया जाता है। ये होता इसलिए है कि या तो यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी हो, यानी कि यूट्रस की शेप ठीक ना हो, या फिर बच्चे के साथ जो ऑर्नल होती है उसकी लोकेशन ठीक ना हो, वो नीचे हो तो भी ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकता है, या फिर बच्चे में ही कोई शारीरिक खराबी हो, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब कि एक से ज़्यादा बच्चे हों अगर बच्चेदानी के अंदर, तब भी ये हो सकता है, या बच्चा बहुत कमज़ोर हो, या बच्चा कम दिनों का हो, तो इन सारी कंडीशंस में ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन का होना थोड़ा सा रिस्क पैदा करता है। बच्चे की डिलीवरी को लेकर एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी इसमें बहुत कम संभव हो पाती, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी कर रहे अगर तो उसमें कुछ रिस्क होने की संभावना रहती है, जैसे कि बच्चे का सिर अटक सकता है डिलीवरी के दौरान, और बच्चे का सांस उखड़ सकता है जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। साथ ही कुछ ट्रॉमा होने की संभावना रहती है बच्चे के टांग में या फिर हाथों में, और फ्रैक्चर तक भी हो सकता है। मदर को टीयर्स हो सकते हैं, टीयर्स मतलब फट सकता है उनका शरीर, तो इस तरह से काफ़ी रिस्क होने की संभावना होती है। तो बेस्ट यही रहता है कि अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो सिजेरियन के साथ डिलीवरी हो। हाँ, बहुत रेयर केसेस में नॉर्मल डिलीवरी संभव हो सकती है, जैसे कि अगर बच्चे का वजन बहुत कम है, बच्चा कम दिनों का है, या बहुत ही रूमी पेल्विस है। रूमी पेल्विस मतलब माँ का शरीर बहुत ज़्यादा ढीला है, जो कि तब हो सकता है जबकि उससे पहले अगर 2-3 नॉर्मल डिलीवरीज हो चुकी हों। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें कि नॉर्मल डिलीवरी संभव हो सकती है। अदरवाइज बेस्ट यही रहता है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन अगर है तो बिल्कुल भी ना झिझकें और सिजेरियन के द्वारा स्वस्थ बच्चा प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।